नमस्कार बंधुगण, आसंता गुरुवार दिन हेउछि पवित्र सुदशा व्रत। तेबे आजर एही वीडियो माध्यमरे आमे जानिबा जे घरर विवाहित महिला माने केउ पांचटी उपाय पालन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिलिबा सहित धनरत्नरे भंडार भरी जाय थाय। तेबे ताहा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध एही वीडियो को गोटे लाइक करि नियंतु एवं जदि आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनाहंती ताहले वर्तमान ही सब्सक्राइब करनी। तेबे आसंतु जाणिने बंधुकोण, एही दुनियार समस्त मनुष्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई बहुत किछि उपाय मान करिथांती। कारण माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबा द्वारा घर सुख शांति रे भरी उठी थाए। माँ लक्ष्मी शुभ दिन बा शुभवार हेउछि गुरुवार। तेबे जदि कोनोसी मासर शुक्लपक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन पड़ी थाए तेबे सेही गुरुवार दिन सुदशा व्रत करा जाय थाए एवं एही दिन विवाह तिथि रहितिले तेबे एहाकु नुआ सुदशा व्रत कुहा जाय थाए। अर्थात एही दिन नुआ विवाहित महिला माने प्रथम करि व्रत आरंभ करिथांती। एही दिन विवाहित नारी माने माँ लक्ष्मीकर पूजा करि एक नुआ धळा व्रत को हळदी पाणी रे धुवंती एवं माँ लक्ष्मीकर दशटी नाम धरि सेही व्रत रे दशंटी गंठी पकाई थांती। यहापर बंधुगण नारी माने सेही व्रत को निजर डाहण पट कांधरे परवर्ती सुदशा व्रत पर्यंत बांधि रखि थांती। बंधुगण, एही दिन रे एपरि किछि उपाय मान अछि जहाँ आपण करि माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा लाभ करि पारिबे, जहाँ फल आपण मानक जीवन रे थिबा समस्त समस्या दूर हेबा सह आपणक जीवन सुख समृद्धि रे भरि जीव। तेबे आसंतु सेही सब उपाय गुड़िक विषय जाणिने। प्रथम उपाय, एही सुदशा व्रत दिन आपण माने घर को परिष्कार परिच्छन्न निश्चय रखंतु। एही दिन रे जेपरी घर मध्यरे कोनोसी कलह वा विश्रुंखला न हेबो ताहार ध्यान रखंतु। एहा व्यतीत घर को भूल रे मध्य अंधार करी रखंतु नाही। एही दिन रे आपण माने सूर्योदय पूर्वरु सेजत्याग निश्चय करंतु। एही समस्त नियम को पालन करिले माँ लक्ष्मी निश्चय आपण मानंक उपरे प्रसन्न रहिबे। द्वितीय उपाय, सुदशा व्रत पूजा रे माँ लक्ष्मी को पाखरे तीन बेलार भोग लगा जाय थाए। प्रथम काल रे दश प्रकार फल एवं दशटी छेनार भोग लगा जाय थाए। मध्यान काल रे दशटी मंडा पिठा एवं संध्या समय रे दशटी छेनापणार भोग लगा जाय थाए। हेले बंधुगण, एही कथार ध्यान निश्चय रखिबे जे माँ लक्ष्मी पाखरे जेउ सबु भोग को लगाइबे सेही भोग को निज परिवार लोकंक छड़ा अन्य केउ लोकंक बांटिबे नाही। एही उपाय करिबा द्वारा परिवारर समस्त लोकमानंकर मंगल होइथाय। तृतीय उपाय, आमर तृतीय उपायटी हेउछि सुदशा व्रतर पूजा ब्रह्म मुहूर्तरे आरंभ करिबा अत्यंत शुभदायक होइथाय। कारण एहा मान्यता होइछि जे सेही समय माँ लक्ष्मी मंदिरर बाहरी निजर भक्त मानंक घर को बुलिबा पई आसी थांती। तेणु सूर्योदय हेबा पूर्वरु आपण माने सेजत्याग करी हळदी लगाई निश्चय स्नान करिबे ओ धळा नाली रंग बा हळदी रंगर साड़ी पिंधि सुदशा व्रत पूजा को आरंभ करिबे। एहा सहित मथारे सिंदूर ओ पादरे अळता लगाइबा पई केबे भी भूलिबे नाही। चतुर्थ उपाय, एही दिन संध्या समय रे तुलसी चौरा मूळरे गोटे घिअर दीप जलांतु एवं आउ दुईटी दीप मुख्य द्वार उभय पार्श्वरे लगांतु। दीपरे नाली सलिता व्यवहार कले बहुत शुभ फल मिलिथाय। घरर ठाकुर घर ठारु आरंभ करि समस्त गृहमानंकरे झुणार धूप बुलाई दियंतु। एहा द्वारा अशुभ शक्ति घर मध्यनु बाहर को बाहरी जाइथाय। पंचम उपाय, बंधुकोण आमर एही पंचम बा शेष उपायटी हेउछि माँ लक्ष्मी को पूजा करिबा समय रे सातटी धळा रंगर कौड़ी नियंतु एवं एहाकु हळदी पाणी रे परिष्कार करि धोई दियंतु। एहापरे गोटे नाली कपड़ा उपरे एही कौड़ी को रखी माँ को निकटरे पूजा करंतु एवं पूजा समाप्त हेबा परे एही कौड़ी को नाली कपड़ा रे गुड़ाई निजर टंका ओ सुना रखिबा स्थान रे रखि दियंतु। देखिबे माँ लक्ष्मी को कृपारु मन को मन धनरत्न बढ़ी चलिबो। तेबे बंधुकोण, आपण माने एही पवित्र सुदशा व्रत दिन एही पांचटी उपाय पालन करि माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा लाभ करिपारिबे। आशा करुछु आपण मानक आमर एही भिडियोटी पसंद आसिथिबो। पसंद आसिथिले भिडियोकु लाइक करिबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु।
एथिसहित एही वीडियो को आपनको बंधु और परिवार वर्ग मानंक सहित शेयर करनी। धन्यवाद।